हाय बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक होंगे आप? मैं ये चाहता हूँ आप ठीक ही रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। तो बच्चों, मैं आपसे ये कहूँगा कि जो हमारी पहली क्लास थी, फर्स्ट डे की, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पहला चैप्टर था वो था हमारा संबंध और फलन। तो संबंध और फलन को करने से पहले क्या क्या हमको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों? तो उसके बारे में जो मैंने बताया था, शुरुआत की थी समुच्चय से, आपको याद होगा, ठीक है? समुच्चय था, उपसमुच्चय था, उसकी परिभाषा बताई थी आपको। फिर अगर दो समुच्चय हैं तो उनका एक रोशनी कैसे निकाला जाता है, ठीक है बच्चों, वो बताया गया था। और फिर उसके बाद आखिरी में जो हमने बताया था वो था कि संबंध की परिभाषा किस प्रकार दी जाती है या इसको हम कैसे दिखाते हैं, जैसे कि था आर उपसमुच्चय एक रॉस बी का, ठीक है, आपको याद होगा पहली क्लास से। तो अब उसके बाद फिर मैंने लिखा था कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है आर के अंदर, तो हमारा हम ये कहते हैं कि ए का संबंध बी से है, ठीक है? अगर बी कॉमा ए बिलोंग्स करेगा आर के अंदर, तो हम कहेंगे कि बी का संबंध ए से है, ठीक है बच्चों? अब उसके बाद जो नई चीज आती है संबंध में, वो आते हैं संबंध के प्रकार, ठीक है? तो संबंध के जो प्रकार होते हैं उसकी शुरुआत में आप करने वाला हूं, तो आप जरा देखिए, उनको समझिए, और उसके बाद हम इसका एक उदाहरण करके बताएंगे। और इन दोनों परिभाषाओं के बाद तीन परिभाषाएं हमारी और आती हैं, ठीक है? वो बाद की बात है, फिलहाल हम इस पर ध्यान देते हैं कि क्या हमें दे रखा है, और इसके बाद हम इसका एक उदाहरण आपको करके बताएंगे, ठीक है? जो आपकी बुक्स में एग्जाम्पल में दे रखा है, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चों? यहां देखिए, परिभाषा एक, जो उसकी पहली परिभाषा है संबंध के प्रकार की, वो हमारी पहली परिभाषा ये होती है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अब बच्चों, आप इसका मतलब क्या समझे? जैसे कोई हमारा समुच्चय ए है, ठीक है? अगर ए के जितने भी अवयव हैं वो अगर अपने आप से संबंधित नहीं है, तो हम उस संबंध को क्या कहते हैं? रिक्त संबंध, ठीक है बच्चों? मतलब ए के जितने भी हमारे अवयव होंगे वो अपने आप से संबंधित नहीं होंगे, तो इस संबंध को हम क्या कहते हैं? रिक्त संबंध। और ये किस प्रकार लिखा जाता है वो आपके सामने है, ये देखिए। देखो, आर का मतलब जो मैंने आपको कल बताया था क्लास में कि आर का मतलब वो हुआ संबंध, ठीक है बच्चों? उसके बाद बात हो रही है यहाँ पर किसकी? रिक्त संबंध की। और रिक्त की बात अगर आएगी तो वो हमारा दिखाया जाता है फाई से, ये आपको पता होगा कि इसको हम क्या पढ़ते हैं? फाई। तो आर बराबर फाई, ठीक है? और जो फाई है वो हमारा उपसमुच्चय होना चाहिए ए क्रॉस ए का। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो आपके पेपरों में एक एक नंबर के आ जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं उनको आप ध्यान से समझना और उनको याद करना, ठीक है? तो ये बात तो हो गई किसकी? रिक्त संबंध की, कि ए के जितने अवयव हैं वो अपने आप से संबंधित नहीं होंगे, तो वो हमारा क्या हुआ? रिक्त संबंध। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा आ रहा है प्रकार संबंध का, वो हमारा आ रहा है सार्वत्रिक संबंध। आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिक्त संबंध में था उसका उल्टा, अगर मैं कहूं तो उसका उल्टा आप देखेंगे कि सार्वत्रिक संबंध में आता है। अब यहां देखिए जरा, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो। जैसा मैंने आपको बताया कि ये देखा जाए तो रिक्त संबंध का उल्टा होता है, क्योंकि रिक्त संबंध में क्या था कि ए के जितने हमारे अवयव आएंगे वो हमारे अपने आप ए के अवयव से संबंधित नहीं होंगे, तो वो हमारा रिक्त हो गया। अगर संबंधित होते हैं तो वो हमारा कहलाता है सार्वत्रिक संबंध, ठीक है बच्चों? उसके बाद क्या होता है, जो लिखने का तरीका, यहां पर आर आएगा जैसे ऊपर हमारा आर आया था, ये हमारा बराबर होता है किसके? ए क्रॉस ए के। मतलब जो दोनों में हमारा डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि जो हमारा रिक्त संबंध होगा वो होता है उपसमुच्चय किसका? ए क्रॉस ए का। और जो हमारा किसके इक्वल होता है? आर के। और सार्वत्रिक संबंध में आर बराबर होता है ए क्रॉस ए, ठीक है बच्चों? तो ये हमारी इसमें इसकी परिभाषा हो गई, संबंध के प्रकार की दो परिभाषाएं। अब मैं इसके बाद आपको इसका एक उदाहरण, जो आपके बुक्स में भी है, जो आप
पढ़ रहे होंगे उसका आप देखेंगे तो उसका पहला या दूसरा एग्जाम्पल होगा, तो वो इन दोनों पर बेस्ड है। तो अब मैं इसके बाद उसको बताऊंगा कि कैसे कैसे वो हमारा रिक्त संबंध हुआ और कौन सा हमारा सार्थक संबंध होगा। एक चीज और बच्चों, ये कह रहे हैं रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ संबंध भी कहते हैं। इस बात पर आप गौर करना कि ये कह रहा है कि रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ संबंध भी कहते हैं। अब देखो थोड़ा पेपर में ये चीज आ जाती है। अब जैसे क्या हुआ, पेपर में आया कि तुच्छ संबंध क्या होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, रिक्त के बारे में और सार्वत्रिक के बारे में। तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि किसका क्या नाम होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं उसका एक उदाहरण। ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों उदाहरण, ठीक है, ये उदाहरण इसका पहला है जो मैं आपको कह रहा था, बुक्स का आप भी देखेंगे, आपके पास बुक्स होगी तो बुक्स का जो है पहला उदाहरण हमारा इसका है। ठीक है, अब जरा देखते हैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए कि ए, समुच्चय ए के बारे में बात कर रहे हैं, किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। मतलब ए जो हमें समुच्चय दे रखा है वो किन का दे रखा है, स्कूल के विद्यार्थियों का। और एक बात ध्यान रखना, वहां पर सारे के सारे हमारे बालक हैं, मतलब यहां पर उनकी बात नहीं कर रहा है वो बालिकाओं की, वो बात कर रहा है समुच्चय किससे मिलकर बन रहा है, स्कूल के विद्यार्थी तो हैं पर वो सारे सारे विद्यार्थी क्या है, हमारे बालक हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा दर्शाइए कि आर जो संबंध है, आपको मैंने कल बताया था कि संबंध अगर आता है तो उसको लिखने का तरीका कैसा होता है, ब्रैकेट बनाना है छोटा वाला। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ए कॉमा बी की जगह कुछ भी हो सकता है, बी सी डी ई कुछ भी, पर दोनों के बीच में कॉमा का निशान आएगा ही आएगा, जिसको मैंने कल बताया होगा कि इसको हम कहते हैं क्रमित युग्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो हमें ये दे रखा है कि जो संबंध है ए कॉमा बी, उसमें देखो इसका भी मैंने आपको मतलब बताया था, जो दो बिंदु होते हैं एक ऊपर और एक नीचे, इसका मतलब होता है कि ऐसा है या इस प्रकार है, आप कुछ भी कह सकते हैं। मतलब वो उसका एक प्रकार से संबंध बताना चाहता है कि अगर ए कॉमा बी है तो ए कॉमा बी ऐसा है कि ए जो है वो बी की बहन है। मतलब हमें जो संबंध दे रखा है उसका मतलब क्या दे रखा है यहां पर, कि जो ए है ए वो बी की बहन है, मतलब ये हमको दे रखा है। अभी क्या कह रहे हैं, द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है। मतलब जो हमें इसमें संबंध दे रखा है कि ए बी की बहन है, इस संबंध को हमें रिक्त संबंध दिखाना है कि ये हमारा रिक्त संबंध होगा। ठीक है, उसके बाद को आगे क्या कह रहे हैं, आर एस, हमें एक संबंध और दे दिया आर एस ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी ऐसा है कि ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। मतलब ये है कहने का कि जो स्कूल के विद्यार्थी है ना, उनमें जैसे कि मान लो दो विद्यार्थी आ रहे हैं ए और बी, तो ए और बी की ऊंचाइयों में 3 मीटर का अंतर है, चाहे वो ए बी हो बी सी हो या सी डी हो, पर दो की ऊंचाइयों में 3 मीटर का अंतर है वो हमें दे रखा है। तो कह रहे ये जो संबंध होगा वो हमारा क्या होगा, सार्वत्रिक संबंध। तो पहले वाले को मैं क्या दिखाना है, रिक्त, दूसरे वाले को सार्वत्रिक। अब इसको कैसे करना है वो आपको मैं करके ही बताता हूं। ठीक है बच्चों, जरा देखना। हल, ये हम सवाल का हल कर रहे हैं। देखो सबसे पहला पार्ट जो हमारा है दिया है आर बराबर ए कॉमा बी, और इसका मतलब जो बताया मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, ऐसा है। ठीक है बच्चों, ए कॉमा बी जो है वो दे रखा था, और संबंध क्या है कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, मतलब ये हमें दे रखा है। अब बच्चों जो आपको मैंने परिभाषा अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, वो क्या थी रिक्त संबंध की, कि ए के सभी अवयव का संबंध अपने अवयव से नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं रिक्त संबंध। अब जरा इस बात का ध्यान देना आप, स्कूल में जो विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बालक हैं,
उसमें कोई भी बालिका नहीं है। तो अब इस बात का ध्यान दो बच्चों कि जब स्कूल में हमारे बालक हैं और बालिकाएं नहीं हैं तो उनके बीच संबंध कैसे आ जाएगा, समझे ना आप। ये कह रहा है ए बी की बहन है, जब स्कूल में बालिकाएं हैं नहीं तो ए बी की बहन कैसे हो जाएगी, मतलब जो संबंध है उसका वो बी के साथ कैसे बन पाएगा। तो यहीं पर ये सवाल आपका खत्म हो जाता है। बस आपको क्या लिखना है कि स्कूल में केवल बालक हैं, ठीक है बच्चों, स्कूल में केवल बालक हैं, अतः ए बी की बहन नहीं हो सकती, ठीक है बच्चों। जब स्कूल बालकों का है तो उसमें बहन तो जो है ए बी की हो ही नहीं सकती, इसका मतलब संबंध जो था उनका आपस में हो एक दूसरे के साथ है नहीं, और जब संबंध नहीं होता है समुच्चय का अपने अवयव से तो उसको क्या कहते हैं, रिक्त संबंध। तो वो सवाल आपका यहीं पर खत्म हो गया इस लाइन के साथ ही। तो हम ये कहेंगे कि स्कूल में केवल बालक हैं अतः ए बी की बहन नहीं हो सकती है, तो संबंध जो है वो हमारा क्या होगा, तो संबंध रिक्त संबंध होगा। बस बच्चों ये आपका जो था पहले संबंध का कि हमें जो सिद्ध करना था वो आपका यहां पे खत्म हो गया है, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, आर एस के बीच संबंध क्या दे रखा है कि ए और बी की ऊंचाई में 3 मीटर का अंतर जो है हमारा कि 3 मीटर से कम है, ठीक है, जो भी है। अब आप इसका मतलब समझिए कि जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कहूंगा कि मान लो इसमें 4 बच्चे हैं एक स्कूल में, आप मान सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 4 बच्चे हैं, तो कह रहा हूं किन्हीं दो, चाहे वो पहला दूसरा हो, दूसरा तीसरा हो, तीसरा चौथा हो, पहला चौथा हो, उनके बीच जो हमें दे रखा है वो दे रखा है कि जो उनकी लंबाई है, जैसे पहला दूसरा है, पहले दूसरे की लंबाई में 3 मीटर से कम है, ऐसे दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो सभी बच्चों के साथ काम करेगा। और मैंने आपको क्या बताया, सार्वत्रिक संबंध, ए के सभी अवयव का जो हमारा संबंध होता है वो ए के सभी अवयव के साथ होना चाहिए। तो यहाँ संबंध बच्चों का सबके साथ हो जाएगा कि किन्हीं दो की जो ऊंचाई वो 3 मीटर से कम होगी ही होगी, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, दिया है, ये दूसरा वाला पार्ट है तो मैं इसको दूसरे वाले पार्ट के लिए लिख रहा हूं, दिया है आर डैश, ठीक है बच्चों, देखो आर डैश में दे रखा है ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी फिर वही ऐसा है जिसको मैंने बताया था, ऐसे पढ़ते हैं, ए तथा बी की, ए तथा बी की ऊंचाइयों में ठीक है अंतर 3 मीटर से कम है, ठीक है। तो मतलब यहां पर हमें ये आदेश दे रखा है, दिया संबंध सार्वत्रिक संबंध होगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि विद्यार्थियों में किन्हीं, ठीक है बच्चों, उसको ऐसे लिखोगे, किन्हीं दो विद्यार्थी, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, किन्हीं दो विद्यार्थियों की
लंबाई में 3 मीटर का अंतर होगा। बस बच्चों यहां पर ये बात खत्म हो जाएगी, 3 मीटर का अंतर होगा जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। क्योंकि यहां पर ये कह रहा है कि स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके बीच, जैसे कि ए और बी की बात हो रही थी, ठीक है, दो की बात हो रही थी, तो उसमें ए और बी की ऊंचाई 3 मीटर से कम है, या उसका जो ऊंचाई का अंतर है वो 3 मीटर से कम दे रखा है मैं, ठीक है। अगर एक की 6 तो दूसरे की 3 होगी, वो इस प्रकार से है, समझे बच्चों। अब वही चीज यहां पर वो सबके साथ होनी है, चाहे 4 विद्यार्थी हैं, 30, 40, 50, सबके साथ काम करेगा। तो समुच्चय ए के जितने अवयव हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, और ये केस किसका होता है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया था, सार्वत्रिक संबंध का। तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा के बता दिया आपको कि दिया संबंध सार्वत्रिक संबंध होगा, क्योंकि विद्यार्थियों में किन्हीं दो विद्यार्थियों की लंबाई में 3 मीटर का अंतर होगा। वो किसी को आप दे सकते हो, क्योंकि वो हमें दे रखा है। तो बच्चों ये हमारा उदाहरण एक, जो उन दोनों परिभाषाओं से संबंधित था, रिक्त और सार्वत्रिक, वो हमारा खत्म हो गया है। अब हम इसके बाद आएंगे बाकी जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि संबंध में और भी आते हैं अभी। ये तो फिलहाल दो थे, अभी आपके 3 आएंगे, और जब वो तीनों एक साथ आते हैं तो चौथा बनता है। अब मैं उसकी बात आपको बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चों, जरा आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब जैसे मैंने आपको अभी दो परिभाषाएं बताई थी, इनके संबंध के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसका उदाहरण आपको मैंने करके बताया था। अब बाकी जो इसमें हमारी 3 परिभाषाएं या इसके 3 प्रकार और होंगे संबंध के, और उन तीनों से मिलकर एक नया संबंध बनता है, फिर उसका हम जिक्र करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब मैं इसका दिखा रहा हूं, तीसरा जो हमारा संबंध होता है उसका प्रकार। ये देखिए बच्चों जरा, ये हमारा तीसरा संबंध आपका, ये देखिए, स्वतुल्य, ठीक है बच्चों, स्वतुल्य संबंध। तो सबसे पहले हम एक काम ही करेंगे, माना ए कोई समुच्चय है, ठीक है बच्चों, माना ए कोई समुच्चय है, तब यदि ये देखिए बच्चे, स्वतुल्य संबंध हमारा क्या होता है, मतलब ए में जितने अवयव हैं अगर उन सभी अवयव का संबंध अपने आप से होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध, ठीक है बच्चों। जैसे मान लो किसी समुच्चय ए में हमारे जितने अवयव आ रहे हैं उन सब का संबंध अपने आप से होता है तो उसे क्या कहा जाता है, स्वतुल्य संबंध। तो अब मैं आपको उसको लिख के बता रहा हूं कि जैसे माना ए कोई समुच्चय है, तब यदि मतलब अवयव का अपने साथ से संबंध होना चाहिए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध। ये आप इस प्रकार समझिए, a, a बिलोंग्स टू आर, a, a बिलोंग्स टू आर। आर आपको पता है क्या होता है, संबंध होता है। a, a बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ कि a का संबंध a के साथ होना चाहिए, तो वो संबंध हमारा क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध, ठीक है बच्चों। अब a हमारा क्या होता है, अवयव किसका, समुच्चय a का, चाहे आप अवयव a लो, b लो, c लो, समुच्चय a के सारे अवयव का संबंध अपने साथ से होना चाहिए, ठीक है। और आप यहां पर लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है बच्चों। तो स्वतुल्य संबंध क्या हुआ कि ए के अवयव का संबंध अपने आप से होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध। अब जरा आगे बढ़ते हैं, चौथा संबंध जो हमारा होता है वो होता है सममित, ठीक है बच्चों। तो यहां भी आप लिख सकते हैं कि माना ए कोई समुच्चय है, ए कोई समुच्चय है, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए पहले सममित होता क्या है, उसके बारे में मैं आप पहले समझिए कि आखिरकार ये होता क्या है। जैसे हम कहते हैं कि अगर ए का संबंध बी के साथ है, ठीक है बच्चों,
ए का संबंध बी के साथ है, तो अगर बी का संबंध भी ए के साथ हो जाए तो उसको कहा जाता है सममित संबंध। मतलब जो संबंध ए का बी के साथ है, अगर वही संबंध बी का ए के साथ आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सममित संबंध। ठीक है, अब आप उसको इस प्रकार देखिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, ये साइन मैंने आपको इससे पहले क्लास में बताया था, इस साइन का मतलब क्या होता है? अंदर होना या शामिल होना। ठीक है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये हमारा आ गया एरो का साइन। ठीक है, मैं आपको यहां पर अलग से दिखा के बता भी देता हूं कि ये जो हमारा होता है ना, ये जो हमारा होता है एक एरो बना होगा दो लाइन के साथ। आप यहां देख सकते हैं, एक लाइन ऊपर है एक लाइन नीचे है और ये एरो सा बना रखा है। इसका मतलब होता है दर्शाना। ठीक है बच्चों, कि मतलब ए कॉमा बी आर के अंदर है तो हमें क्या दर्शाना है कि बी कॉमा ए भी किसके अंदर हो? आर के। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ए का संबंध बी के साथ है, तो अगर बी का संबंध भी ए के साथ आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? सममित संबंध। ठीक है, और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ए और बी जो हमारे अवयव हैं वो किसके अंदर हैं? समुच्चय ए के अंदर। इस बात का बच्चों ध्यान देना, जब ए और बी ब्रैकेट में आते हैं तो वो कहलाता है क्रमित युग्म। ठीक है, और अब जैसे मैंने यहां लिखा हुआ ए कॉमा बी, यहां तो कोई हमारा ब्रैकेट नहीं है, तो ये कहेगा कि ए और बी अवयव किसके हैं? समुच्चय ए के। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा रहे हो उसका अलग मतलब है, कॉमा करके लगा रहे हो उसका अलग मतलब होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा हमारा आता है संक्रामक। ठीक है बच्चों, पांचवा हमारा क्या आ रहा है? संक्रामक। अब पहले आप संक्रामक को समझिए कि आखिरकार होता है क्या है। हम ये कह रहे हैं कि ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध किसके साथ है बच्चों? सी के साथ। ठीक है, तो अगर ए का संबंध सी के साथ भी आता है, मतलब जो संबंध ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो वही संबंध अगर ए का सी के साथ आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? संक्रामक संबंध। मतलब ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ होना चाहिए। अब हम इस बात को देखो इस प्रकार लिखेंगे, माना ए कोई समुच्चय है, माना ए कोई समुच्चय है। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया, अगर ए कॉमा भी आर के अंदर हो, बी कॉमा सी आर के अंदर हो, इसको हमने क्या बताया? इंग्लिश में कहते हैं इंप्लाइज दैट, मतलब ये हमारा दर्शाएगा कि ए कॉमा सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर के अंदर। तो ऐसा जो हमारा केस आता है या ऐसी जो स्थिति आती है उसको हम कहते हैं संक्रामक संबंध। ठीक है, जहां पर ए कॉमा बी कॉमा सी ये अवयव होंगे समुच्चय ए के। तो बच्चों जो मैंने आपको बताया अभी, एक पहली आई थी परिभाषा, दूसरी आई थी उसके प्रकार आप कह सकते हैं संबंध के, बाकी तीसरी चौथी पांचवी, अब आखिरी में एक और बचता है इसमें संबंध का प्रकार, उसको हम कहते हैं तुल्यता संबंध। और आप इस बात का ध्यान देना, जो हमारा सवाल है उदाहरण आपकी बुक्स में, ठीक है, उसमें हमें संबंध को क्या दिखाना है? आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो आखिरकार तुल्यता संबंध होता है क्या है, पहले आप उसको देखिए। जो संबंध सोतल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक, मतलब तुल्यता संबंध के बारे में अगर आपसे कहेगा तो आपको सुतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये तीनों संबंध एक साथ दिखाने पड़ेंगे। जब ये तीनों संबंध एक साथ आते हैं तो वो संबंध जो आता है, मिलके जो आता है बनता है, उसे क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध। तो अब हम तुल्यता संबंध के बारे में देखो फिर आपको कैसे लिख के बताएंगे। तो आप इसको छठा नंबर मान सकते हैं,
ये हमारा हो गया तुल्यता संबंध। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको मैं ऐसा दिखा देता हूं जो आपको मैंने बताया, जो संबंध स्वतुल्य, जो संबंध स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक होता है। ठीक है बच्चों, जो मैंने बताया आपको, जो संबंध स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक होता है उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। बस ठीक है, तुल्यता संबंध कहते हैं। तो बच्चों अब जरा इसको एक बार हम थोड़ा हल्का सा और बताएंगे। स्वतुल्य क्या था? ए के अवयव का, जितने अवयव हैं उसका संबंध अपने का अपने साथ स्वतुल्य हो गया। सममित में क्या था? अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या था हमारा? अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो हमारा ए का सी के साथ आना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं संक्रामक। और तुल्यता संबंध क्या था? कि जिसमें तीनों संबंध एक साथ आते हैं। अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, अगर सवाल में आता है जांचिए, जांच करनी हो कि तुल्यता संबंध है या नहीं है, तीनों की तीनों संबंध आ गए तो तुल्यता संबंध हो जाएगा, अगर नहीं आते तो नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, मान लो आपने स्वतुल्य को जांचा आता है, सममित को जांचा वो आ रहा है, और संक्रामक अगर नहीं होता है तो तुल्यता संबंध नहीं होगा, क्योंकि तुल्यता संबंध के लिए तीनों संबंध एक साथ आने चाहिए। ठीक है, अब जरा हम आते हैं सवाल की तरफ। सवाल बच्चों देखिए, उदाहरण टू हमें क्या देखा है, पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं तब बताते हैं कि इसमें आखिरकार हमें क्या करना है। मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय टी में आर, मतलब इसने समुच्चय दे रखा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया ए बी सी डी कुछ भी मान लो, तो यहां पर इसने टी मान लिया कोई, और टी किसी समतल में ना किसका समुच्चय है? त्रिभुजों का, मतलब उस समतल में त्रिभुजों का एक समुच्चय है टी। ठीक है, कह रहा अब उस समतल में जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एक त्रिभुजों का समुच्चय जो मिलके बना है, संबंध क्या दे रखा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। मतलब मैं ये बस ये आपको विशेष रूप से कहना चाहूंगा, संबंध के जो सवाल होते हैं वहां पर इस बात का ध्यान देना होता है कि हमें जो संबंध दे रखा है अवयव का वो क्या दे रखा है, किस प्रकार दे रखा है, उस पर फोकस कीजिए और सवाल करना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जरा देखते हैं, T1, T2 मतलब जो इसमें हमारे त्रिभुज हैं, देखो इसमें T जो है वो T दिखा रहा है किसी समतल में समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय, मतलब T यहां पर दिखा रहा है ट्रायंगल, इंग्लिश में त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। तो T1, T2 मतलब दो ट्रायंगल के बीच में संबंध कैसा है, या दो त्रिभुजों के बीच में संबंध क्या दे रखा है हमें, कि T1, T2 के सर्वांगसम है, मतलब दो त्रिभुज हैं, फिलहाल हम दो की बात करें, बहुत सारे होंगे इसमें, एक समुच्चय है, मान लो इसमें 10 त्रिभुज आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, पर जो दो त्रिभुज हैं उनके बीच हमें संबंध क्या दे रखा है, कि T1, T2 के सर्वांगसम है। अब जो संबंध है वो हमें दे रखा है कि एक त्रिभुज दूसरे के सर्वांगसम है। अब हमें उस संबंध को लेके उसे क्या दिखाना है, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध के बारे में जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया था, क्या होता है हमारा तुल्यता संबंध, उदाहरण हमारा दो है, तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हमें तीन संबंध दिखाने पड़ते हैं जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहां पर हम देंगे आर जो हमें दे रखा है, देखा आर को क्या दे रखा है हमें इसमें, T1, T2 ऐसा है कि T1, T2 के सर्वांगसम है। ठीक है बच्चों,
सर्वांगसम है, मतलब हमें जो संबंध दे रखा है, जैसा आप तुलना कर सकते हैं, जैसे ए कॉमा बी था, अभी जो मैंने बताया वहां ए कॉमा बी की जगह टी वन और टी टू आ गया, बस और कोई अंतर नहीं है। तो अब जरा हमें दिखाना है तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे इसमें, स्वतुल्य। अब बच्चों जरा इस बात पर आप ध्यान देना, इसका स्वतुल्य हमारा क्या बनेगा, जितने भी त्रिभुज होते हैं, मैं फिलहाल एक त्रिभुज की बात बोलता हूं, वो सभी के लिए काम करेगा। हर त्रिभुज अपने आप में सर्वांगसम होता है। जैसे आपको पता है स्वतुल्य क्या होता है, कि जो संबंध है वो अपने का अपने साथ होना चाहिए। यहां संबंध में क्या दे रखा है कि टी वन टी टू के सर्वांगसम है, ठीक है बच्चों। तो अब स्वतुल्य क्या बनेगा यहां पर, कि टी वन के सर्वांगसम है, मतलब जो त्रिभुज है ना वो अपने आप के सर्वांगसम है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हर त्रिभुज अपने आप के सर्वांगसम होता है। तो वो जो बात थी स्वतुल्य की, कि संबंध अपने का अपने साथ होना चाहिए, यहां पर वो सत्यापित हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रत्येक, ठीक है बच्चों, प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के, प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के सर्वांगसम होता है, ठीक है बच्चों। मतलब प्रत्येक त्रिभुज, जैसा मैंने आपको बताया, ये आपको एक विशेषता जो होती है त्रिभुजों की, प्रॉपर्टीज कह सकते हो, उसके अनुसार ये होता है कि हर त्रिभुज अपने आप के सर्वांगसम होता है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, कि प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के सर्वांगसम होता है तब T1, T1 बिलोंग्स कहां करेगा बच्चों, R के अंदर, मतलब T1, T1 बिलोंग्स करेगा R के अंदर, मतलब T1 जो त्रिभुज है अपने आप के सर्वांगसम होगा, ठीक है बच्चों। अब जरा आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमारा आता है सममित, ठीक है बच्चों। सममित क्या बनेगा इसका, यदि T1 सर्वांगसम है T2 के, तो T2 भी सर्वांगसम होना चाहिए T1 के। ये बात आपको पता है, दो त्रिभुज है बच्चों जैसे, ठीक है, मैं आपको थोड़ा अलग से बताया था, ऐसे आप इसको थोड़ा समझ सकते हैं इस प्रकार से। हम अगर कहें कि ये T1 है, ठीक है, आप थोड़ा इसको एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं कि मान लो T1 सर्वांगसम है T2 के, तो क्या T2 सर्वांगसम नहीं होगा T1 के, होगा। अगर एक त्रिभुज दूसरे के सर्वांगसम है तो दूसरा भी पहले के सर्वांगसम होगा ही होगा, ये विशेषता होती है त्रिभुजों की। तो आपको ये जो बातें हैं त्रिभुजों की, वो थोड़ी बहुत हम बताते रहेंगे साथ साथ, जैसे जैसे सवाल में आता रहेगा। तो यहां पर ये हमारा वन था। तो अब सममित हम इसका क्या लिखेंगे बच्चों, इस बात पर जरा ध्यान देना कि T1, T2 belongs to R, तो T2, T1 भी कहां belongs करेगा, R के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बताओ सवाल के अनुसार, T1 सर्वांगसम है T2 के, तो T2 सर्वांगसम होगा T1 के, मतलब अगर T1 है T2 के, तो T2 और T1 हमारे सर्वांगसम होंगे। तो यहां पर आपका सममित भी पूरा हो जाता है, ठीक है बच्चों। जरा हम आगे बढ़ते हैं, संक्रामक। अब देखिए संक्रामक, जो मैंने आपको अभी बताया है कि A का B के साथ संबंध हो, B का C के साथ, तो A का C के साथ संबंध होना चाहिए। इस सवाल में क्या बनेगा बच्चों, अगर T1 सर्वांगसम है T2 के, T2 है T3 वाले के, तो T1 और T3 भी सर्वांगसम होने चाहिए, आसानी सी बात है। यहां पर आप देखो थोड़ा इसको एक रफली समझ सकते हैं, बस ये समझने के लिए आपको, ठीक है बच्चों,
ये T1 हो गया, ये T2 हो गया और ये T3। थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है। T1 समांग सम है T2 के, T2 है T3 वाले के, तो ध्यान देना बच्चों T1 भी समांग सम हो जाएगा T3 के, क्योंकि T1 T2 है, T2 किसके साथ है समांग सम, T3 वाले के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 भी T3 के साथ समांग सम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जरा इसको आप इस प्रकार ले सकते हैं, यदि T1, T2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, यहां पर आप लिख दीजिए T2, T3 बिलोंग्स टू R, तो T1, T3 भी बिलोंग्स करेगा R के अंदर। मतलब आपको मैं इस बात को और गौर करूंगा कि जो जो बात आप यहां से संबंध के अनुसार देखते जाएंगे उसके अनुसार हम इसको बनाते जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप इसको जांच भी सकते हैं, जैसे मैं यहां पर इसको देख रहा था कि ऐसा होगा या नहीं होगा, उसके बाद तसल्ली कीजिए, उसके बाद यहां पर आप इसको लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए, स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, संक्रामक, तीनों संबंध यहां पर काम कर रहे हैं। और जब तीनों संबंध आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, अतः अतः संबंध तुल्यता संबंध होगा। ठीक है बच्चों, अतः संबंध तुल्यता संबंध होगा। तो ये आपका बुक्स का उदाहरण दो हमारा खत्म हो गया है। बस आपको कुछ नहीं करना, जो संबंध दे रखा है उस पर ध्यान दीजिए और उस पर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के जो जो हमने यहां पर एक केस लिखाए हैं, फॉर्मूले कुछ भी कह लीजिए, उनको साथ साथ लगा के देखते रहिए। उदाहरण मानना पड़ेगा आपको, हो सकता है जैसे कि यहां पर मैंने थोड़ा दिखाने के लिए त्रिभुज मान लिए, कहीं कहीं किसी जगह आपको उदाहरण भी मानना पड़ सकता है कि ए छोटा है बी से, तो मैंने ए को मान लिया एक, बी को मान लिया दो, इस प्रकार। ठीक है।